टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आप कैसे हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है कि हमारी स्किन बच्चों की तरह कैसे हो सकती है, मीन्स बच्चों की स्किन की तरह कैसे हो सकती है। ये काफ़ी टाइम से ऐसा ख्याल आता था, जब लड्डू का स्किन देखती हूँ तो उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है ना बच्चों की। और ये यहीं पे है और इसकी कुछ कुछ आवाज़ें आप लोगों को सुनने में आएंगी। तो ठीक, तो इसकी कुछ कुछ आवाज़ें आप लोगों को सुनने में आएंगी, तो इसको भी इंजॉय करना। ओके, अभी मैं बात करूँगी। तो इसकी तरह स्किन कैसे हो हमारे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, काफ़ी टाइम से मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ जो अब मुझे रिजल्ट देना स्टार्ट किया है, जो मुझे लग रहा है कि अब उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। तो पिछले 15 दिन से मैं एक रेमेडी है जो ट्राई कर रही हूँ, मैं वीकली उसको दो बार ट्राई करती हूँ। तो आप भी वैसे ही करना और आप करके देखो कि वो रेमेडी आप पे कितना सूट करती है, कितना नहीं, आप पे क्या असर डालती है। लेकिन मेरे को लगता है ना कि 100% आप लोग सभी पे फर्क आएगा उससे। वो हर टाइप के स्किन के लिए है, हर स्किन का बंदा उसको लगा सकता है। एंड उसके लिए कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ आपके घर में अवेलेबल है। आपको जस्ट उसको लगाने का कष्ट करना है, तो बस इतना ही करना। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, आप लोग वीडियो देखो कि कैसे उस रेमेडी को लगाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ आप वहाँ पे देखो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो देख लो। आपको अगर लगे कि वीडियो लाइक करना चाहिए तो प्लीज़ लाइक करना। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमें और भी एनर्जी के साथ और भी मतलब फुर्ती के साथ वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और आपका जो भी कमेंट्स होगा ज़रूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का कमेंट्स पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा आपने मेरी स्किन अभी कैसी लग रही है। इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें लेना है टमाटर। टमाटर मैंने इतना सा काट लिया है, इसको हम अच्छे से अपने फेस पर रब करेंगे। हमेशा हमें अपवर्ड्स डायरेक्शन में ही रब करना है, ऊपर की साइड से, ताकि हमारे फेस पर जो है झुर्रियां ना आए। और अच्छे से रब करते करते इसको अच्छे से रब करना है और पूरे फेस पर करना है। मैं अभी नेक पे भी कर लूं। फोरहेड पे करना है अच्छे से, जो फोरहेड की ब्लैकनेस होती है वो भी निकल जाएगी। अगर आप पॉसिबल हो तो आंखों के नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके जो डार्क सर्कल होते हैं वो भी कम होने लगेंगे। हमें इतनी देर तक इसको मसाज करना है ताकि ये जो रस है ना इसका पूरा हमारे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। अब इसे हम 15 मिनट छोड़ देंगे। तो 15 मिनट बाद ये पूरा पैक सूख गया है और इस पैक को लगाने के बाद कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो झुर्रियाँ आ सकती हैं। अब इसे मैंने डैम्प कॉटन पैड से इसको पोंछ लिया है, मीन्स अच्छे से वो जो टमाटर का जूस था उसको रिमूव कर लिया है और एक टॉवल से मैं अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। दूसरा इंग्रेडिएंट्स लेना है, वो है ये ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन लेना है, तो जस्ट मैंने एक कॉटन पैड लिया है, इसमें ग्लिसरीन लिया है मैंने। तो ग्लिसरीन लेने के बाद इसको कॉटन पैड पे लगा के इसको पूरे फेस पर अच्छे से लगाना है आपको। आप चाहे तो हाथों में भी लेके लगा सकते हैं, बट मैंने कॉटन पैड का यूज़ किया है। तो ग्लिसरीन लगाते ही आप फेस पर चमक देख सकते हैं। ग्लिसरीन को हमें 10 मिनट ऐसे ही छोड़ना है। तो 10 मिनट के बाद मेरी ग्लिसरीन भी थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो चुकी है, बट ग्लिसरीन पूरी अंदर तक नहीं जा पाती है, सूख नहीं पाती है, मीन्स ड्राई आउट नहीं होती है। ग्लिसरीन को लगाने के बाद 10 मिनट बाद हमें फिर से अपने फेस को साफ करना है पानी से। अब हम बनाएंगे फेस पैक। फेस पैक के लिए मैंने खाली बॉल लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है और बेसन में फिर हमें डालना है गुलाब जल। तो मैंने यहाँ पे गुलाब जल लिया है पतंजलि का, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मुझे पतंजलि का अफोर्डेबल एंड अच्छा लगता है तो मैंने ये लिया है। और सिर्फ बेसन में गुलाब जल मिला के इसको अच्छे से पैक बनाना है। तो ये है मेरा गुलाब जल, इसमें अच्छे से पैक बना के इस पैक को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है, मीन्स पैक फेस पे लगाना है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे देखे चम्मच से ही लगा रही थी, फिर हाथ से लगाने लगी। जब पैक लग जाए अपने फेस पे तो मैं इसी टाइम अपने फेस को 2 मिनट तक स्क्रबिंग मोशन में, जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें थोड़ा सा फेस को मसाज करूँगी।
तो ये बेसन जो है ना, बेसन से क्या होगा कि थोड़ा सा हमारा फेस जो है स्क्रब स्क्रब भी हो जाएगा। तो स्क्रब देखिए, मैं जैसे मसाज कर रही हूँ, मैं एक हाथ से मसाज कर रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे कट लग गया है, तो मैं अभी एक ही हाथ से मसाज कर रही हूँ, पर आप दोनों हाथ का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से आपको मसाज करना है अपने फेस पे। एंड अभी देखिए पूरा फेस पर ये लग चुका है। एंड अब 20 मिनट इसको छोड़ेंगे सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो इसे वॉश करके नॉर्मल पानी से। कितना इजी DIY है। इस DIY को यूज़ करने से पहले जस्ट आपको एक बार अपने फेस को वॉश कर लेना होगा अच्छे से, क्योंकि इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले आपके फेस पर कोई भी स्वेटिंग नहीं रहनी चाहिए, डॉट नहीं रहना चाहिए। वैसे तो डॉट निकालने वाला ही सारा प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप अच्छे से फेस को अपने धो लो, ताकि आपका फेस सारा जो भी डस्ट गंदगी जो भी है वो वॉश हो जाए, और उसके बाद इस DIY को आप करो। इसको वीकली सिर्फ 2 बार यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से यूज़ करना। और बेस्ट टाइम मैं बोलूँगी कि रात में यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में यूज़ करने के बाद ना आप सो जाते हो, तो आपकी जो स्किन है ना रिपेयर होती है, तो वो ग्लो ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो बट मैं रात को नहीं कर पाती हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ी लाइटिंग इशू है मेरे घर में, तो मैं रात को वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ दिन में ही करने का। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये DIY रात को यूज़ करके और फिर सो जाते हो ना, तो देखना आप पे अलग ही निखार आएगा। मतलब अभी अगर अभी जैसा आना आ रहा है मेरे ऊपर, अगर मैं रात को यूज़ करके सोती तो वो अलग लेवल का निखार होता। तो आप लोग ज़रूर ऐसा करना, और मुझे अपना कमेंट ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये DIY, और कैसा लगा ये पूरा जो प्रोसीजर मैंने बताया। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, आप 15 डेज यूज़ करो और मुझे अपना रिव्यू ज़रूर देना। मैं इंतज़ार करूँगी आपके रिव्यू का, और कमेंट भी करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करना, उसका लिंक सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।